वो मेरे लिए सबसे कठिन दौर था। मुझे अकेले कमरे में बंद कर दिया गया था, खाना पीना सब मुश्किल हो गया था। मनीषा रानी ने बताई अपनी जिंदगी की सबसे भयानक कहानी, जब पैसों के लिए उन्हें करना पड़ा था बैकग्राउंड डांस। नमस्कार, मेरा नाम प्राची तिवारी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेटी न्यूज ओनली ट्रुथ। इन दिनों बिग बॉस ओटीटी 2 में यूट्यूबर्स की एंट्री होती जा रही है। मनीषा रानी बिग बॉस ओटीटी 2 की सबसे पसंदीदा कंटेस्टेंट में से एक हैं। उनका मजेदार जेस्चर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इस बीच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनीषा रानी ने रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 2 में अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि एक बार उन्हें पैसों के लिए ऐसा काम करना पड़ा था जिसका एक्सपीरियंस वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। मनीषा रानी ने बताया कि वो उनकी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर था जिसे वो कभी नहीं देखना चाहती। बिग बॉस में मनीषा रानी ने अल्पेश यादव, अभिषेक मल्हान और आशिका भाटिया के साथ बातचीत में अपने स्ट्रगल के दिनों का एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बताया कि वो कोलकाता में रहती थी तो उन्हें एक बार रूम खाली करने की धमकी मिल गई क्योंकि उन्होंने घर का किराया नहीं दिया था। इसके चलते मनीषा रानी को एक ऐसा काम करना पड़ा जो वो जिंदगी में कभी नहीं करना चाहती। उन्हें बैकग्राउंड में डांस करने के लिए बिहार जाना पड़ा था। मनीषा ने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि जहां हम गए वो स्टेशन से करीब 15 किलोमीटर दूर था और वहां सिर्फ जंगल था। वहां पर एक झोपड़ी में डांस वगैरह को रुकवाया गया था जो डांसर्स थे। मैं एक अच्छे घर से थी, मैं ऐसी जगह नहीं रही थी। बाथरूम में बोरा वाला पर्दा लगा हुआ था, वहां बहुत से गंदा सीन था, नॉर्मल लोग वहां नहीं रह सकते। उन्होंने अपने घर में ये बात कही, उन्होंने बताई तक नहीं, सिर्फ उनके बॉयफ्रेंड को ये सब पता था। वो वहां से निकलने के लिए रोई धोई भी लेकिन वो लोग नहीं माने। मनीषा ने आगे कहा, वहां ट्रैक्टर पर हमें खड़ा करते थे और नीचे बराती थी। ये सब देखकर मेरा खून खौल गया था। वहां सभी लड़कियों ने उस तरह के कपड़े पहने थे और सिर्फ मैं थी जो जीन्स और शर्ट पहनी थी। हम डांस कर रहे थे तभी एक लड़के ने मुझे गंदा साइन दिया। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और हमने उसे चप्पल दिखाया तो वो भड़क गया और मुझे नीचे उतारने के लिए कहने लगा। ये सब देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी, मैं रोने लगी थी और मेरा शरीर कांप रहा था। मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने मुझे पीछे बैठा दिया। रात का शो हुआ और वहां कपड़े से एक टेंट बना दिया गया और लड़के लोग वहां हमें परेशान कर रहे थे। वहां खाना पीना सब मुश्किल हो गया था। खुलासा करते हुए मनीषा रानी ने कहा कि जहां वो डांस करने गई थी वहां उन्हें खाना भी सही से नहीं मिला। इन सब चीजों से वो परेशान हो गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं वहां से जाना चाहती थी। मैं उससे पैसे मांग रही थी तो उसने मना कर दिया। फिर हमारे बीच बहस हो गई, फिर उसने मुझे एक रूम में बंद कर दिया। जब हम चिल्लाने लगे तो उसने दरवाजा खोला लेकिन एक पेपर में साइन करवाया जिसमें लिखा था कि वो मुझे एक भी पैसा नहीं देंगे। तो थोड़ा बहस करने के बाद हम चले गए। तब मेरे पास फोन भी नहीं था क्योंकि मैंने एक लड़की की मदद से उसे दे दिया था। मैं वहां से निकली और 5 से 8 किलोमीटर पैदल जंगल के बीच चले जा रही थी और लगातार रो भी रही थी। मैं बस में बैठी और फिर स्टेशन गई और एक शख्स से फोन लेकर बॉयफ्रेंड से बात की और 500 रुपए मांगे। जब मैं कोलकाता पहुंची तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे पहचान नहीं पा रहा था। मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मेट्रो में बैठते ही मैं बेहोश हो गई। मनीषा रानी की लाइफ में एक ऐसा टाइम भी आया जब उन्होंने एक वेटर का काम भी किया था लेकिन इस सब के बारे में उन्होंने अपनी फैमिली को कभी नहीं बताया। मनीषा की कहानी सुनकर अभिषेक इमोशनल हो जाते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को फेसबुक पे फॉलो करें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें।